आज आपको दिखाएंगे हम कि गाय का सींग कैसे बनाया जाता है। ये अभी 20 दिन की बाछी है और इसका अभी सींग बनाया जाएगा, सींग दागा जाएगा, जिससे कि ये बड़ा होगा तो इसका सींग नहीं निकलेगा। ठीक है, रौआ है ना, एक उठे उन्हें जा, एक उठे उन्हें पधरे। हाँ हाँ, बस आ हेप थोड़ा बल दे ले रखे। ठीक है, आई के कैसे के उड़ गेल बा द लख एक मग में पानी मंगाई, एक मग में पानी मंगाई। हाय मग में पानी अरे तब जब वो करवा काला कुत्ता होइस ले गांव मार वाला कुत्ता हो जाके होने का वो अरे को खलना के लिए के धो देलसी। हां ई परास जराई आज एक चप्पल चला के मारे मुंह टेढ़ रही बेरा तोरा के एक सब बोल दे त शर्म से मर जेबो गाड़ी कहीं का छोड़ी उठी। उनका डॉक्टर साहब कपूर ना, अच्छा इसके बारे में भी बताएंगे, पहले काम कर लीजिए। हाँ टाइट पकड़ो, करिए ये टंकी में पानी ना भर देकर बहन चल कहियो ना भराई पेतर हो लिंगो बहन चल आज लिंगो लोग होले टंकी में पाई तेज। Good. चलिए छोड़िए। ये देखिए इसका सिंग को दोनों सींग इसका दाग दिया गया है। अभी डॉक्टर साहब यही बताएंगे कि पहले अपना परिचय दीजिएगा डॉक्टर साहब। मैं उमेश कुमार, वाइफ, पशु विकास केंद्र भैकुंठपुर। हम लोग ये डिहर्निंग का काम किए। एक साहिवाल वाली बछिया है, फिर ये मदर डेयरी फॉर्म में इसका डिहर्निंग का काम किए। ये डिहर्निंग से में हम लोगों को लगता है, जैसे हम लोग टिकिया यूज करते हैं, उस टिकिया का नाम है KOH। वो एक रासायनिक पदार्थ है। KOH है, हिंदी है उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको पूरा कैंची से साफ़ कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है। कैंची से साफ़ करके और उसके बाद उस पर टिकिया यूज करते हैं और उसको बढ़िया से सफाई कर देते हैं। एक लेयर जो काली वाली भाग है उसको सफाई करके हटा देते हैं, जिससे आगे चल करके ये सींग ग्रोथ नहीं करेगा, उसका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा, सींग निकलेगा नहीं। इसको हम लोग सींग रोधन प्रक्रिया बोलते हैं या डिहॉर्निंग भी बोलते हैं। इससे फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि जैसे ये ग्रोथ करेगी, जल्दी कम समय में तैयार होगी, दूध ज़्यादा देगी। जैसे जिसके पास सींग है, जिस बाछी को, और उसका जब हम लोग दूध देखेंगे, सेम नस्ल की हो तो 3 लीटर दूध का अंतर पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा है कि जो है ये इसका एज अनुमानित लगभग कोई लगा नहीं सकता है हटाक से एज। और सींग जो रहता है उसको, सींग में जितना भी गांठ रहता है उस गांठ के हिसाब से उतना ब्यांत का अंदाज़ा लग सकता है। अगर इसका सेहत मेंटेन रहे तो 10 ब्यांत में भी पता नहीं चलेगा कि 10 बच्चा दी है। 2, 3, 4 तक ही लोग अनुमान कर पाएंगे। ये डिहॉर्निंग से फ़ायदा है। तो वो जो आप रसायन पदार्थ बोल रहे थे, जरा उसको दिखाइए कैसा होता है वो। हाँ, उसको दिखाएंगे, एक मिनट। ये हम जो है बहुत टेम्पररी में रखे हैं। ये रासायनिक पदार्थ जो है KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो है टेबलेट आता है। हम लोग अभी इसको हाथ से नहीं छूना चाहिए, लेकिन अभी जो है इस पर जब भी पानी पड़ जाए तो हाथ का भी चमड़ा भी हटा देगा ये, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।